वाक्य शुद्धि में, हाँ कॉल की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। वाक्य शुद्धि में सबसे पहले, जैसे पिछली बार हम लोगों ने तीन बार में बताया है आपको कि हिंदी व्याकरण के अनुसार किसका क्या स्थान होता है। मैंने आप लोगों को सर्वनाम में बताया था, सर्वनाम में पुरुष का प्रयोग बताया था, बताया था, याद है या नहीं है? जी सर। पुरुष का मतलब मैंने पहले भी माफी मांग लिया था कि महिलाएं नाराज ना हो, क्योंकि व्याकरण में पुरुष में महिलाएं भी शामिल हैं। और पुरुष का मतलब जैसे अंग्रेजी में आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हिंदी व्याकरण में प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। अंग्रेजी में जैसे आई, वी, यू, इन चीजों में कैटेगरी किया जाता है, उसी तरह हिंदी व्याकरण में भी है। तो पुरुष का जो क्रम होता है, जैसे कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में पुरुष का क्रम क्या होगा पहले हम जान लें। पुरुष का क्रम लिखते चलिएगा आप लोग। पुरुष का क्रम जो होता है, सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा, है जानकारी आप में से किसी को? उत्तम पुरुष सबसे पहले आता, सबसे पहले आता है मध्यम पुरुष, मध्यम है, माध्यम नहीं है, सबसे पहले आता है मध्यम पुरुष, उसके बाद आता है अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। लिख लीजिए यह क्रम, सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर आएगा अन्य पुरुष, और उसके बाद आता है अन्य पुरुष, और जो क्रिया होगी इसकी, इसकी क्रिया अंतिम पद के अनुसार होगी। लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग तीन जने बात कर रहे हैं, मैं हूं, मनीष जी और सुमित जी, ठीक है, हम लोग तीन जने हैं, मनीष जी और सुमित, हाँ बोलिएगा जी, आप बताऊं। तो मैं मनीष से अगर बात कर रहा हूं कि मनीष जी आप कैसे हैं, तो मनीष जी मेरे लिए कौन से पुरुष हो गए? मैं प्रथम पुरुष हो गया, मैं प्रथम पुरुष, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं प्रथम पुरुष हो गया। उसके बाद मैं मनीष जी को कह रहा हूं तो मनीष जी, यहां मनीष जी हो गए मध्यम पुरुष, अंग्रेजी के अनुसार सेकंड पर्सन। तो मध्यम पुरुष का मतलब आप या तुम हो गया। मध्यम पुरुष में यहां मैं के बाद बचा आप या तुम, ठीक है, आप या तुम। ठीक है, कुछ कमी हो गई, टाइपोग्राफिकल एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप या तुम, क्लियर है। इसके बाद अन्य पुरुष में मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं सुमित के बारे में, मैं कहूं सुमित जी कलकत्ता में रहते हैं और उनके पांच बच्चे हैं, क्षमा कीजिएगा अभी आपकी शादी नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो जब मैं वे प्रयोग करूंगा, वे या वह, ये वे या वह जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, मतलब किसी तीसरे, जैसे हम और मनीष आपस में बात कर रहे हैं, मैंने कहा मनीष जी आप कैसे हैं, फिर मैंने इशारा किया कि सुमित जी, वहां दिखा रहा हूं वे सुमित जी हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन या प्रथम पुरुष, मनीष मतलब आप, मनीष जी आप कैसे हैं, मैंने आपका प्रयोग किया तो मनीष द्वितीय पुरुष या फिर मध्यम पुरुष, और सुमित जी मैं वे या वह करके अगर इंगित करूं तो सुमित जी हो गए अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन अंग्रेजी के अनुसार। क्लियर है यहां तक, समझ पाए आप लोग? आगे बढ़ो। यस सर। तो इसका जो क्रम होगा, मैंने आपको बताया कि पद का क्रम क्या मैंने बताया, सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले आएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या आया, आप, ठीक है, सबसे पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद मैंने कहा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या आते हैं, अन्य पुरुष में सुमित जी का नंबर आया, तो वे या वह, वे बहुवचन के लिए होता है या फिर इसका प्रयोग किसी को सम्मान देने के लिए करते हैं, और उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब मैं। तो जब वाक्य में तीनों एक साथ आए, अमर अकबर अंथोनी वाली बात हो गई, जब तीनों एक साथ आ जाएं,
आप वाक्य में यह क्रम मेंटेन करेंगे। क्लियर है, लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। तो वाक्य अशुद्धि जहां रहेगी वहां इस तरह की अशुद्धि रह सकती है कि आपके समझ में नहीं आएगा, लगेगा वाक्य में व्याकरण की कोई भूल नहीं है, लेकिन यहां पता चलता है कि पद क्रम संबंधी भूल है। लिख लिया, आगे बढ़ूं, बहुत धीरे धीरे मैं जानबूझ के चल रहा हूं ताकि कुछ भी छूटे ना आप लोगों से, ठीक है। अब यह जो क्रम मैंने आपको बताया, अब उसमें मान लीजिए कोई एक वाक्य बताएंगे आप लोग। चलिए मैं एक देता हूं, एक फिल्म का गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हूं और वे आ जाएं, बताइए सही है? बंद है होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हूं, नहीं बंद हूं मतलब हम एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और वे आ जाएं। इस वाक्य में हमने पदक्रम फॉलो किया है क्या? पदक्रम के अनुसार हमने वाक्य सजाया है क्या? नहीं सर, हम और नहीं, होना क्या चाहिए इसमें? सबसे पहले नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार सबसे पहले क्या आना चाहिए सर? प्रथम पुरुष। सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा ना, देखिए सबसे पहले मध्यम पुरुष, इसको लिखिए आप लोग बढ़िया से लाल कलम से, सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष और फिर उत्तम पुरुष, ठीक है। राजा, चलिए दूसरा वाक्य देता हूं मैं राजा और वे तीनों आ गए। आगे ही लिख देते हैं, मैं राजा और वे तीनों आ गए। क्रम सही है? नो सर। नहीं सर। क्या नहीं सर? सबसे पहले राजा आना चाहिए, राजा और वे, राजा राज और जो है हमेशा ध्यान रखिएगा अंतिम शब्द के साथ होगा, ठीक है। राजा, तो राजा और राजा वे और मैं, ठीक है। क्रम ये होगा व्याकरण के अनुसार। तीनों आ गया, जैसे गब्बर चाचा बोलते हैं ना, तीनों बच गए, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीन हैंग कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लेते हैं, एक और संदर्भ है, अगर वाक्य में, मैंने आपको वाक्य का वाक्य की संरचना बताया था, वाक्य संरचना में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कर्ता, कर्ता के बाद फिर हम लेते हैं कर्म, इसको कुछ लोग पूरक कर्म कहते हैं, कर्म या कुछ लोग पूरक भी कहते हैं, ठीक है। कर्ता और कर्म हमने लिया। अब इस क्रम में अगर वाक्य में कर्ता कर्म ना हो तो हिंदी व्याकरण में कर्ता कर्म और उसके बाद क्रिया आती है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस तरह का क्रम होता है। तो अगर किसी वाक्य में कर्म ना हो तब वाक्य की संरचना कैसे होगी? कर्म ना हो तो क्या होता है? कर्ता के उपरांत क्रिया विशेषण, ये लिख लीजिए। तो कर्ता के बाद ही क्रिया विशेषण, ठीक है, कर्ता के बाद ही क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। लिख लीजिए इसको, कर्ता में अगर कर्म ना हो, पूरक ना हो जिसे कहते हैं, तो फिर कर्म के स्थान पर या कर्ता के तुरंत बाद क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद क्रिया विशेषण का मतलब होता है वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। एक विशेषण होता है सामान्य विशेषण, सामान्य विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, ये जो चल शब्द है या क्रिया है इसकी विशेषता धीरे धीरे बताता है, इसका मतलब ये हो गया क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण है। और ध्यान रखेंगे
कि वाक्य में क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग इसके बाद के अंश में चले। अब इसके बाद का जो अंश मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आप लोगों को पिछली चर्चा में बताया था कारक चिन्हों के बारे में, याद है किसी को कारक चिन्ह के बारे में मैंने बताया था? जी सर, कर्ता ने कर्म को। यस, एकदम, कर्ता ने कर्म को करण से सर प्रधान के लिए। बिल्कुल, तो आज इसको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कर्ता, थोड़ी सी अंग्रेजी भी साथ में चलेगी, दिक्कत तो नहीं अंग्रेजी साथ में चले तो? नहीं सर, और अच्छी बात है। किसी को आपत्ति हो अंग्रेजी से तो बता दीजिएगा, अंग्रेजी हटाओ अभी आंसर पड़ेगा। कर्ता को अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश व्याकरण में नॉमिनेटिव बोला जाता है, और कर्ता के साथ मैंने पिछली चर्चा में बताया था ने का प्रयोग होता है, और इसे कहते हैं काम करने वाला। मतलब हम पूछेंगे कि कौन खा रहा है भाई, कौन घंटी बजा रहा है, तो घंटी बजाने वाला जो हो गया वह कर्ता हो गया। इसके बाद आता है कर्म, कर्म को अंग्रेजी व्याकरण में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, OBJECTIVE, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव, ये उस रूप में चलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसे को कहा जाता है, इसके साथ को का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़े, को जैसे क्रिया का फल भोगने वाला, यह जानना जरूरी है, व्याकरण की शुद्धि तभी पता चल पाएगी। क्रिया का फल भोगने वाला, जैसे मान लीजिए राजा ने रानी को उपहार दिया, तो उपहार का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रानी के ऊपर, तो इसका मतलब रानी को कर्म माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने बताया था रावण के उदाहरण के साथ मैंने बताया था आपको, करण को अंग्रेजी व्याकरण में कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं ना, औजार, औजार मतलब जो कुछ साधन बनता है, तो यहां से का प्रयोग होता है। से का मतलब क्रिया के होने में सहायता देने वाला, इसीलिए देखिएगा अंग्रेजी ग्रामर में बोलते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में एक वाक्य लिखते हैं कि राजीव गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग कंप्यूटर इन इंडिया। आपको बस एक उदाहरण समझा रहा हूँ, अंग्रेजी की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ जी। राजीव गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग कंप्यूटर इन इंडिया, यहाँ ये जो इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब यहाँ औजार नहीं होगा, इसका अगर हम अनुवाद करेंगे तो यहाँ साधन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब यहाँ साधन अर्थात सहायक रहे हैं, तो इसका अगर हिंदी हमें करना होगा तो राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाने में सहायक रहे हैं। अमन जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब वाक्य होगा तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब यहाँ सहायता करने वाला, और से, जैसे मैंने आपको बताया था राम ने रावण को तलवार से मारा, तो जो तलवार जो है वो इंस्ट्रूमेंट है और साधन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए उसे करण कारक कहा जाएगा। करण के बाद आता है संप्रदान, संप्रदान जो कारक होता है उसे अंग्रेजी में डेटिव बोलते हैं, DATIVE। ये मैंने भी नहीं सुना, आपने भी शायद सुना होगा, किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं। हाँ, बस वैसे ध्यान रखिए, हिंदी वाला नोट करते के लिए, को या फिर के लिए के का प्रयोग होता है, को या के लिए, मतलब यहाँ होगा क्रिया के उद्देश्य का प्रयोजन, मतलब क्रिया क्यों कर रहे हैं, क्रिया का उद्देश्य। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पूछा जाएगा पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, परीक्षा पास करने के लिए या नौकरी के लिए, तो वहां जो के लिए का प्रयोग है वह साधन अर्थात संप्रदान के रूप में, मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से, कारण कवन नाथ मुहि मारा, हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा, तो वहां क्यों मारा, तो ये कहेंगे कि भाई मानवता की
रक्षा के लिए हमने मारा, तो वहां उद्देश्य प्रकट होता है कोया के लिए, तो सीता के लिए मारा। मैंने एक वाक्य लिखा दिया था, राम ने रावण को तलवार से युद्ध भूमि में सीता के लिए मारा, तो वहां सीता के लिए जो प्रयोग होता है संप्रदानिक को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत जगह काम आएगा। संप्रदान के बाद होता है अपादान। अपादान को अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार एबलेटिव बोलते हैं, ए बी एल ए टी आई वी ई, एबलेटिव। नोट कर लीजिएगा जब आप अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक होंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अपादान का मतलब से होता है। अब ध्यान दीजिएगा, से का प्रयोग दो जगह हुआ है, एक हमने प्रयोग किया है से का करण में, हाँ वहां इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन यहाँ ये जो से प्रयोग होता है अपादान, अपादान मतलब अलग होने वाली प्रक्रिया जहां होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रिया हो, एक स्थान से हटकर क्रिया दूसरे स्थान में हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा सॉरी मतलब पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो वह जो अलग होने का भाव प्रकट कर दे, यहां कंफ्यूजन रहती है और इसी में नंबर कटते हैं हमारे संपदान अपादान और करण में। तो जहां अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आप लोग हमेशा अपादान की श्रेणी में रखेंगे। नोट कर लिए, आगे बढ़ू। अपादान के बाद अगला आता है संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है, इसे बोलते हैं जेनिटिव, जे जी ई एन ई टी आई वी ई, अंग्रेजी वाले ना लिखे हिंदी लिखते चलिएगा। जेनेटिव जो होता है, संबंध का मतलब है का के की, का के की, का के की, उसके साथ में होता है रा रे री, ये शब्द लिख लीजिएगा, हाँ रा रे और री, ये शब्द लिख लीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या बताऊं आपको। इसका मतलब है यह संज्ञाओं के बीच संबंध बताता है। ध्यान दीजिएगा, संबंध का मतलब भाई बहन चाचा चाची नहीं, नोट कर लीजिए इसको। जैसे राम का सिर, या फिर राम का धनुष, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो जेनेटिव में गिने जाते हैं, संबंध कारक बोले जाते हैं। और संबोधन के बाद एक आखिरी में आता है, सॉरी ये संबंध में था, संबोधन नहीं संबंध में था, और इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण को हम लोग लोकेटिव बोलते हैं। लोकेटिव का मतलब होता है लोकेशन, अर्थात कहां पर हो रहा है, तो इसमें में और पर का प्रयोग होता है। जैसे मेरे सिर पर रख दो हाथ, मेरे सिर पर रख दो हाथ, प्रभु से आप कह रहे हैं, तो इसमें होता है क्रिया के होने का स्थान बोध होता है। स्थान नहीं, स्थान है। जैसे आप लोग अपने अपने कमरे में हैं, कमरे में कोई बाहर भी है? नहीं सर, घर में। जी सर, कमरे में। घर में, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग अपने अपने कमरे में हैं, या फिर अगर गाने की बात करें तो हम तुम एक कमरे में बंद हो, कमरे के साथ में, अर्थात कहाँ बंद है, तो स्थान, स्थान का मतलब होता है अधिकरण। और उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन कारक का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटा सा जोक है, बोलते हैं शादीशुदा औरतें अपने पति को एजी और ओजी कहकर क्यों संबोधित करते हैं, कोई बताएगा आप में से? शादीशुदा तो कोई नहीं है, फिर भी प्रयास करें, भाभी बुलाती होगी ना भैया को, नहीं? अरे जी सर, मम्मी बुलाती है पापा को। हाँ, मतलब खुल के एक अधे वो गधे नहीं बोल सकती, इसलिए महिलाएं, बुरा मत मानिएगा, इसलिए महिलाएं धीरे बोलती है जी ओ जी, ठीक है, महिलाएं पुरुष को गधा मानती है, नॉट ऑन द रिकॉर्ड, तो जस्ट हंसने के लिए। तो इसके लिए आप हे राम बोलते हैं, हे लड़के सुनो, अजी सुनती हो, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो राम कहाँ जाई थी, इस तरह मैथिली वाले बोलते हैं। अहो, ठीक है, अहो सखी आती हो क्या, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो संबंध है, किसी संज्ञा को पुकारने का जो भाव प्रकट होता है वह संबोधन कारक है।
और इसके साथ ही आठ कारक चिन्हों के बारे में आप लोगों ने जाना, और ये जो कारक चिन्ह है इसकी अशुद्धि अगर करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने उदाहरण आपको बताया था, राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध भूमि में एक और लिख देते हैं, युद्ध भूमि में रथ पर तीर से मारा। इसमें सारे के सारे कारक चिन्ह आ जाते हैं, एक छूट जाए तो वो फिर से एडजस्ट करेंगे। राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध भूमि में रथ पर तीर से मारा। यह सूत्र अगर आपको हो याद हो जाए, कर्ता ने, करण को, अपादान, संप्रदान, ये सीरीज में आप लिख करके और वो चिन्ह लगा के कोई भी कर्ता कर्म शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद अगला आता है संज्ञा के साथ विभक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। विभक्ति मतलब ये कारक चिन्ह जो मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हटकर होता है। हटकर मतलब उसे दूर रहेगा, हटकर होता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है राधा की बहन, राधा की मैं अगर राधा की लिखना है मुझे, तो मुझे राधा की ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। व्याकरण का नियम कहता है राधा और की दोनों अलग अलग रहेंगे। यह संज्ञा के साथ होता है, लेकिन सर्वनाम अगर हो तो, अगर सर्वनाम हो तो जुड़ जाता है। बिल्कुल सही है, लिख लीजिए उसको। सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ये ह हटा देते हैं, सट कर होता है। ठीक है, जैसे कान्हा ने, उसने, आप मुझे बताएं दोनों में कैसे होगा। मैं यहां लिखता हूं कान्हा ने, ठीक है, और उसने, कौन सा सही है कौन सा गलत है? सर कान्हा ने सही है और उसने जो है वो गलत है, वो सर्वनाम है, ने जो है सर्वनाम है, इसलिए जुड़ कर आएगा। एकदम आसान सा तरीका है और इस तरीके से कारक चिन्हों को आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट कर पाया? फिर आगे बढ़ूं? अरे बोलिए जी सर। अच्छा, भूत का नाम सुना है आप लोगों ने? रात को भूत की बात बताऊं, रहने दो। बता दीजिए सर। नहीं सर, भूत में तो भूत काल। यस, भूत काल, इसका मतलब होता है आसन्न भूत। भूत काल आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? जी सर पढ़े। आसन्न भूत किसे कहते हैं, आइडिया है? आसन्न भूत मतलब सर, सर जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंग्रेजी से नहीं, मैं आपको बताऊंगा काल में अंग्रेजी के हिसाब से गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, आसन्न भूत तथा पूर्ण भूत। आसन्न भूत तथा पूर्ण भूत में जब चुकना का प्रयोग हो, चुका बोलते हैं ना जिसको, चुकना उसको बोलते हैं, चुकना का प्रयोग हो तब, लिख लीजिए इसको, ने का प्रयोग नहीं होता है। ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, नहीं होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, राम ने चला गया, उदाहरण दो, राम ने चला गया, ठीक है, और राम ने जा चुका है, सही है गलत है? गलत है सर, नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों आसन्न भूत और पूर्ण भूत की श्रेणी में आते हैं।
चुकना का प्रयोग जहां हो वहां ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, पूर्णभूत मतलब काम पूरा हो, आसन्नभूत का मतलब आसन्नभूत का मतलब तो सुन लीजिए, आसन्नभूत का मतलब है काम तत्काल खत्म हुआ है। जैसे बिजली चली गई, आप घर में बैठी हैं या बैठे हैं, अचानक बिजली चली गई जुम, तो वो आसन्नभूत है कि तत्काल गई है। और पूर्णभूत मतलब बहुत पहले जा चुका, राम जा चुका, हो सकता है सवेरे ही चला गया होगा या एक घंटा पहले चला गया होगा, तो ये ऊपर वाला आसन्नभूत है, तत्काल खत्म हुआ हुणे ही, ठीक है। और ये है पूर्णभूत में आता है, तो इन दोनों के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अगर ना स्पष्ट हुआ हो तो इस विषय में फिर काल के ऊपर हम एक दिन चर्चा करेंगे, तब आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, इसमें आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। अगला आता है अपूर्ण भूत में, आपको मैंने बता दिया, अपूर्ण भूत बता दूं। अब ये जो अपूर्ण भूत वगैरह, ये शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अंग्रेजी के टेंस में पढ़ा है इसको, इनकम्प्लीट पास्ट पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। अपूर्ण भूत का मतलब यह हुआ कि भूत काल में क्रिया शुरू हुई थी, क्रिया शुरू हुई थी, खत्म होने का पता नहीं, खत्म होने का पता नहीं, या कह सकते हैं कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं कि वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, इसका मतलब है कि कार्य अभी आपका पूर्ण नहीं हुआ है। या फिर मैं कहूं कि वह पढ़ता था, ये जो दो वाक्य हैं, ये इस तरह का वाक्य जो होते हैं, ऐसे वाक्य आपके अपूर्ण भूत में आते हैं। ता था जहां लगा होगा, ठीक है, यह अपूर्ण भूत में आता है। और पूर्ण भूत में क्या होता है, पूर्ण भूत का एक और उदाहरण दे दूं, मैंने चुका वाला तो उदाहरण दे दिया, पूर्ण भूत का उदाहरण होगा कि मैंने सोचा था कि परीक्षा शायद मई दिसंबर में हो, लेकिन परीक्षा पहले हो गई, तो ये पूर्ण भूत की श्रेणी में आता है। दोनों भूत समझ गए, बाकी भूतों की कहानी फिर बाद में बताएंगे। तो ये जो अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत पर सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। लिख लीजिए, आगे बढ़े। अब देखिए, मैंने आपको अपूर्ण भूत का एक उदाहरण यहां दिया था। देखिए, अपूर्ण भूत का मतलब वह पढ़ता रहा था, सॉरी वह पढ़ रहा था। अब वह के साथ हम उसने पढ़ रहा था लिख सकते हैं, नहीं, या वह ने पढ़ रहा था लिख सकते हैं, नहीं होता ना। इसका मतलब है कि अपूर्ण भूत के साथ आप सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। जैसे पढ़ रहा था, तो क्या पढ़ रहा था, कोई किताब पढ़ रहा होगा, जन्म कुंडली पढ़ रहा होगा, या फिर कुछ और पढ़ रहा होगा, तो जो चीज पढ़ रहा है वो कर्म, यहाँ पढ़ रहा था में छुपा हुआ है, तो यह सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग नहीं होता है। लिख लीजिए यह वाक्य, क्योंकि मैंने भी तो इधर उधर लिख के रखा था, मुझे ध्यान नहीं था। आगे बढ़ें, अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड, संयुक्त क्रिया का मतलब क्या हो गया, दो क्रिया एक साथ हो, दो से अधिक क्रिया एक साथ हो, तो संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अगर अकर्मक है, संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अगर अकर्मक है
तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। ये ने का प्रयोग कई जगह हम लोग जबरदस्ती लगा देते हैं, इसलिए आपको सूत्र बता दे रहा हूं। कर्ता के साथ ये कौरव नहीं, कर्ता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे इसमें उदाहरण क्या लें, जैसे आना, आना शब्द है, एक मिनट कैमरा गिर गया, आना शब्द जो है आना के साथ ने लगे नहीं लगेगा। आप प्रयोग करके देखिए, आना के साथ ने लगा के बनती है क्या बात, जैसे आना, आना जाना लिख लीजिए, यह शब्द लिख लीजिए, पाना, बैठना, आना जाना, पाना बैठना रहना, उसके बाद आएगा चुकना, चुकना चौमे छोटा की मात्रा, चुकना खा चुका इस तरह का, पकना भूलना, क्या भूलना, क्या बोलिए, भूलना, आना भूलना नहीं आएगा, भूलना भी तो आएगा, उसने भूल गया है लिखेंगे क्या, ना शब्द अंत में क्रिया के अंत में या संयुक्त क्रिया, जैसे चले आना, ठीक है, चले आना, चलना एक क्रिया और आना दूसरी क्रिया, मिलकर संयुक्त क्रिया हो गई, या फिर आ के साथ ना का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के साथ आपका ने का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद थोड़ा सा क्रिया में एक और देख लेते हैं। एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम सुना आप लोगों ने प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि आपको प्रेरणा देगा, मतलब कोई और, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देकर होती है, जैसे आना लाना वाना प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे लिखवाना, लिखवाना, पढ़वाना, आजकल तो पढ़वाने वाली बात खत्म हो गई, पहले गांव से चिट्ठी आती थी तो गांव के लोग जाते थे किसी पढ़े लिखे के पास, मनीष भैया आप पढ़े लिखे हैं आप जरा पढ़ दीजिए, ठीक है, चिट्ठी लिखवाते थे लोग, गांव के लोग, कि मनीष भैया जरा ये चिट्ठी लिख दीजिए, कलकत्ता में हमारे भैया रहते हैं उनको भेजना है, तो लिखवाना पढ़वाना मतलब दूसरे से काम करवा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे होती है। तो इसमें आना लाना वाना इस तरह के शब्द जोड़ते हैं, जैसे पढ़वाना, हंसना जो शब्द है वह नहीं आता है, हंसाना होता है, हंसना जो शब्द है यह प्रेरणार्थक नहीं होगा, हंसाना मतलब किसी को आप हंसा रहे हैं जबरदस्ती गुदगुदी करके या जोक सुना के हंसाना, तो ये जो हंसाना शब्द है यह प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में अपूर्ण भूत को छोड़कर, प्रेरणार्थक क्रिया में अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य भूतकाल में कर्ता के साथ ने लगता है, अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य भूत में कर्ता के साथ, ये कर्ता वो वाला कर्ता है, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है मुझे तो उसे इग्नोर करिएगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, ये लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मैंने उसे हंसाया, हंसाया, या फिर उसने बच्चे को रुलाया, इस तरह के जो शब्द होंगे वे शब्द इसमें आएंगे और उनके साथ ने का प्रयोग होगा। खत्म ने का चैप्टर, आगे बढ़े हम, यहां तक लिख चुके हैं आप लोग तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आगे आते हैं को का प्रयोग, ने के बाद को का प्रयोग मैंने कहा बताया था, कर्म कारक के साथ या फिर कर्म के साथ मैंने बताया था, तो कर्म कारक में, हाँ तो कर्म कारक, कर्म कारक मतलब जो कर्म है वही, कर्म कारक में को का प्रयोग इसे मैं बता चुका हूं कहाँ होता है, सजीव कर्म के साथ होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं दो उदाहरण देता हूं, मैंने झंडे को फहराया,
अभी 26 जनवरी आने वाला है ना, झंडे को फहराया। दूसरा मैं वाक्य लिखता हूं, मैंने कुत्ते को खिलाया। इसमें कौन सा वाक्य गलत है? मैंने झंडे को फहराया। झंडे को फहराया गलत है बिल्कुल, क्योंकि झंडा जो है, झंडा क्या है, वह निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग वर्जित है, लेकिन कुत्ता सजीव है, सजीव कर्म। अब देखिए कर्म क्या, फिर से बता दूं, जो काम कर रहा है वह करता है, तो एक करता होगा और बाकी जितने शब्द आएंगे वह संज्ञा या सर्वनाम, सारे के सारे कर्म होंगे। तो मैंने जो शब्द है ये करता है, तो झंडा है वो निर्जीव कर्म है, तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये लिख लिया आप लोगों ने, लेकिन अगर निर्जीव कर्म के पहले इस या उस शब्द का प्रयोग हो तो को का प्रयोग होगा। लिख लीजिए, मैंने आपको पहला बताया कि अगर निर्जीव कर्म है तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर उसके पहले, उस शब्द के पहले इस या उस या इन या उन, एक ही चीज है, इस उस उन या इन, इन शब्दों का प्रयोग हो तो फिर आप उसमें को का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण आप लोग देंगे या मैं दूं? बताएं। जैसे इस कुत्ते को मैंने, इस कुत्ता तो सजी हुई है बाबा, नहीं मैंने, मैंने इस झंडे को, मान ली तीन चार है, मैंने इस झंडे को फहराया, या फिर मैंने इस साइकिल को चलाया है, या फिर मैंने इस कार को दौड़ाया, जो भी है वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां आप को का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा मैंने, इसके अलावा मैंने बताया था कि हाँ, कुछ कह रहे हैं आप में किसी ने कुछ कहा, जब सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म हो तो को का प्रयोग कहां करेंगे? उसमें मान लीजिए एक सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो, तो फिर सजीव कर्म के साथ को, या आपको पता है निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया, हंसना रोना, प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बताया, प्रेरणार्थक क्रिया में भी को का प्रयोग कहां होता है? सजीव कर्म में ही को लगेगा। जैसे आप ईंट को तो हिला नहीं सकते ना, ईंट को हंसा नहीं सकते ना, हंसा सकते हैं क्या? नहीं। मैंने लड़के को, जैसे मैं लिखूं मैंने लड़के को हंसाया, ठीक है, मैंने ईंट ईंट को सजाया, क्या होगा, कौन सा इसमें गलत है? मैंने ईंट को सजाया, सेकंड वाला को नहीं होगा, दूसरा वाला गलत है, इसमें को का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा और आगे बढ़ूं? हाँ। नोट करते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आप लोग इसे देख लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर समय या दिशा का बोध कराना हो, समय या दिशा, दिशा का बोध करना हो वहां क्या करते हैं, समय या जहां दिशा का बोध हो वहां क्या होता है, दिशावाचक संज्ञा में को लगता है पर स्थानवाचक में नहीं लगता। दिशावाचक संज्ञा में को लगेगा पर स्थानवाचक में नहीं। चलिए लिख लीजिए, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण है,
दिशावाचक में लगेगा पर स्थानवाचक में नहीं लगेगा। लिख लिए, जैसे वह घर गया, घर क्या है, स्थान है, उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर कहें कि वह सोमवार को आएगा, ऐसे वाक्यों में आप लगा सकते हैं, ठीक है। कालवाचक है, दिशावाचक, एक मिनट, एक चीज और छोड़ दिया मैंने, दिशावाचक संज्ञा और कालवाचक दोनों में, काल का मतलब होता है समय, तो दिशावाचक और कालवाचक में को लगेगा। जैसे वह सोमवार को आएगा, यह क्या है, कालवाचक है दिशावाचक है? सर कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक। और दिशावाचक क्या है, पूर्व को गया, पूर्व को लगेगा। हाँ सर, क्योंकि ये दिशावाचक में को का प्रयोग होगा। उसके बाद एक और लिख लीजिए, और कर्म से अधिकांश चर्चा आज की पूरी होती है, अगली चर्चा फिर हम बैठेंगे तब करेंगे। लिखिए, नहाना, नहाते हैं आप लोग, नहीं नहाते हैं, सर्दियां हैं, कभी कभी नहीं नहाने से भी चल जाएगा। थूकता तो कोई नहीं है, मुझे पता है, नहाना थूकना, अगर छींक दे कोई बाहर निकल रहा हो तो उसको बहुत शुभ माना जाइए, और कोई छींके तो आप ये समझ लीजिए आपका कार्य सफल होगा। तो नहाना थूकना, छींकना और खांसना, खांसना ये ऐसी क्रिया है जिसके बाद कर्म नहीं आता। अब जरा प्रयोग करके देखिए, नहाना थूकना छींकना खांसना, इनके बाद कर्म नहीं आता, लेकिन ये सकर्मक क्रिया है। इसको नोट कर लीजिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के रूप में इनका प्रयोग बहुतायत से होता है, जहां कुछ गलतियां रहती हैं। तो नहाना थूकना छींकना और खांसना ये सकर्मक क्रिया है, ये लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। सर ये अपवाद है क्या? अपवाद नहीं है, नहाना मतलब ना, ये व्याकरण का अलग नियम है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों की परीक्षा नजदीक है ना, तो बस शॉर्टकट जो रूल बता रहा हूँ उसको याद करते चलिए, फिर कभी बैठेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम से का प्रयोग देख लेते हैं, और इसके बाद आज की चर्चा समाप्त करूंगा, 5 मिनट और लूंगा। देखिए, अशक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करने में, अशक्ति, आशक्ति नहीं, अशक्ति या लाचारी का प्रकट करने के लिए से का प्रयोग करते हैं, कर्ता में, कर्ता में से का प्रयोग होगा। लिख लीजिए इसे, जानबूझ के मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, ताकि आप लोग दूर हैं और दूर बैठे आराम से नोट कर सकें। अशक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता के साथ, जैसे मान लीजिए रोगी है, रोगी से चला नहीं जाता, यहां से का प्रयोग करते हैं, रोगी को चला नहीं जाता गलत हो जाएगा, या फिर कह लीजिए मुझसे, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, हालांकि ये अशक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं इनके साथ से का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, निश्चित समय का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है, बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सुबह से परेशान हूं, ठीक है, या फिर वह रात से
भूखा बैठा है, तो ऐसे शब्दों में निश्चित समय का बोध कराने के लिए आप से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और सबसे महत्वपूर्ण और फिर आज की चर्चा समापन की ओर ले चलूंगा। एक और है, जब एक ही प्रकार के बहुत से शब्द जोड़े जाएं, जब एक ही प्रकार के बहुत से शब्द जोड़े जाएं, तब विभक्ति अंतिम शब्द के साथ आएगी। आएगी और केवल एक बार, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। उदाहरण मैं फिर देता हूं, लिख लीजिए। जब एक ही प्रकार के तो छूट गए हैं, बहुत से शब्द आए, तब विभक्ति केवल अंतिम शब्द के साथ और एक बार। जैसे उदाहरण मैं लिख रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने? लिख लिया हाँ या नहीं? जी सर लिख लिया। अब जैसे मैं लिखूं, तुम्हारे तुम्हारे प्रेम लगन, तुम्हारे प्रेम लगन समर्पण समर्पण अनुशंसा अनुशंसा और भी कई शब्द आप जोड़ सकते हैं, अनुशंसा व्यवहार व्यवहार, उसके बाद आप लिख लीजिए सौंदर्य सौंदर्य वाक पटुता, वाक का पूरा है, ठीक है, पूरा का है वाक पटुता ने मेरा दिल जीत लिया। अब इस शब्द में देखिए, ये जो ने कारक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है, वह अंतिम शब्द वाक्पटुता जो अंतिम शब्द है उसके साथ किया, तो ऐसे जो प्रयोग होंगे बार बार प्रेम ने लगन ने समर्पण ने लिखने की जरूरत नहीं है, आपका व्याकरण गलत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अनुशंसा होगा या अनुशंसा मतलब आप मेरे बारे में अपने दोस्तों से बताती हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के बारे में दूसरे दोस्तों से उनकी अच्छाई बताते, वहां अनुशंसा होगा। कई शब्द इस तरह से आते हैं, तो ये जितने भी शब्द हैं उनके अंत में ने का प्रयोग होगा। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, तुम्हारी सच्चाई झूठाई लंबाई चौड़ाई, इस तरह के जो भी शब्द आपको मिले लगा के, लेकिन अंत में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हर शब्द पे जोर देना होगा, जैसे तुम्हारे प्रेम ने मुझे धोखा दिया, लगन ने धोखा दिया, समर्पण ने, हर शब्द पे अगर जोर देना हो, तब बार बार आप ने का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, समय थोड़ा सा अधिक हो गया है, और अगली चर्चा अगर समय मिला तो कल हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। कल समय है आप लोगों का? टुमारो टाइम है, ठीक है जी सर। है तो कल, हाँ बोलिए। थोड़ा सा इसकी ये ऊपर से थोड़ा सा रुक जाइए ना, और मतलब नोट नहीं कर पाए, थोड़ा सा ऊपर का। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए, मैं जरा सेव कर लूँ। ठीक है, क्या नहीं नोट कर पाई बताइए। थोड़ा सा सर कारक के बाद से मैंने नोट किया है, थोड़ा सा ऊपर का छूट गया है, एकदम ऊपर का देखिए आपको। जी सर, ये पुरुष का क्रम होता है। ठीक है, पुरुष का क्रम का मतलब, जैसे अगर कोई वाक्य है जिसमें तीनों एक साथ अमर अकबर एंथोनी वाले स्टाइल में खड़े हों, तो सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, और फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर, इसको नोट कर ले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना कॉपी में। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो एक दो दिन बाद मैं इसका आपको आप लोगों को व्हाट्सएप पर दे दूंगा। नाम क्या आपका? श्वेता। हेलो श्वेता जी, कमलेश जी के साथ हैं आप? ठीक है, मैं इसका अभी तो नहीं, कल मैं आपको कमलेश जी को मैं दे दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, और इसे मैं कमलेश जी को दे दूंगा, आप कमलेश जी आप लोगों को साझा कर देंगे। ठीक है,
चलिए फिर आज की चर्चा समाप्त करें, कोई विशेष प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं।